हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस पॉलिसी में बीसीजी मैट्रिक्स, बीसीजी ग्रोथ मार्केट शेयर मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं इसको हम, ठीक है। तो ये टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में, बीसीजी मैट्रिक्स को ग्रोथ मार्केट शेयर मैट्रिक्स, ठीक है। बीसीजी स्टैंड फॉर बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीसीजी मैट्रिक्स। कई बार लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखिए, उसमें रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ, ठीक है। और बहुत मैक्सिमम चांसेज हैं कि इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन या कोई ना कोई टॉपिक आपको पेपर में ज़रूर ही मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। BCG क्रिएटेड बाय ब्रूस डी हैंडरसन इन 1970, ठीक है। BCG ब्रूस डी हैंडरसन ने 1970 में इसको क्रिएट किया, ठीक है। कंपनी डीलिंग इन डिफरेंट प्रोडक्ट, हाउ मच रिसोर्सेज एलोकेटेड अबाउट स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम किसकी बात कर रहे हैं, कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाद जो भी हमें हमारी सिचुएशन है हम उससे अवेयर हो रहे हैं, ओके, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। मैट्रिक शो मार्केट ग्रोथ रेट एंड मार्केट शेयर, जो ये मैट्रिक है ये मार्केट ग्रोथ शेयर और मार्केट रेट के बारे में बताता है कि कब किस सिचुएशन में हमें किस तरीके से एक्शंस लेने चाहिए और किस स्ट्रेटेजी पे हमें काम करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चार ब्लॉक बनाए हैं, उन ब्लॉक के हिसाब से हम अलग अलग कंडीशंस को यहाँ पर स्टडी करेंगे और उसके हिसाब से जो भी प्रिवेंटिव एक्शंस होंगे उनको हम यहाँ पे मेजर करते हुए अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। बीसीजी मैट्रिक्स इज अ ग्राफ ऑफ ग्रोथ रेट एंड मार्केट शेयर। बीसीजी मैट्रिक्स हेल्प्स यू टू अबाउट प्रोडक्ट स्टैंडिंग एरिया एंड शुड यू इन्वेस्ट और नॉट, ठीक है। बीसीजी आपको ये बताता है कि मार्केट में क्या सिचुएशन है आपकी और आपके प्रोडक्ट की, ठीक है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे करना चाहिए, अगर इन्वेस्टमेंट की सिचुएशन है तब आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर जैसे सपोज आपका मार्केट शेयर ज़्यादा नहीं है तो उस केस में आप क्या करोगे, आपको चेंजेस की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे चार ब्लॉक बने हुए हैं, स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ, डॉग। एक तरीके से ये चार सिचुएशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। एक नीचे हम बात कर रहे हैं रिलेटिव मार्केट शेयर, और यहाँ पे जो ये है लिखा हुआ है मार्केट ग्रोथ रेट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज है वो क्या है, स्टार। स्टार में क्या है, हाई मार्केट ग्रोथ रेट है आपका और हाई रिलेटिवली मार्केट शेयर है, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है कि आपका जो मार्केट ग्रोथ रेट है वो भी हाई है और मार्केट शेयर है वो भी हाई है। दूसरी में हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क्स में, तो हाई मार्केट ग्रोथ रेट तो है बट लो रिलेटिवली मार्केट शेयर है, ठीक है। थर्ड कंडीशन में हम कैश काउ की बात करें तो लो मार्केट ग्रोथ रेट है और हाई मार्केट शेयर है। और फोर्थ कंडीशन डॉग, लो मार्केट ग्रोथ रेट और लो मार्केट शेयर। अब हम यहाँ पे ये बताएंगे कि किस सिचुएशन में हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना है और किस सिचुएशन में हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार। स्टार में क्या है, आपका मार्केट शेयर ज़्यादा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी आपका ज़्यादा है, तो उस केस में आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा वहाँ पे, यानी कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल सिचुएशन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टार की, ठीक है। तो इस केस में अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्टार की कंडीशन चल रही है, तो पहली कंडीशन क्या है, स्टार में हाई मार्केट शेयर है, हाई मार्केट ग्रोथ है, तो आपको बेनिफिट होगा, ऑब्वियस है। सेकंड है कैश काउ, ठीक है। अब कैश काउ में हम बात कर रहे हैं किसकी, मार्केट शेयर तो आपका हाई है लेकिन आपकी ग्रोथ रेट क्या है, कम है, ठीक है। यानी कि आपका मार्केट शेयर तो ज़्यादा है लेकिन आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इस केस में आप क्या करोगे, इन्वेस्ट टू अदर एरियाज,
आप अदर एरिया में इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे ताकि आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाए। तो इस तरीके से हम क्या होता है ना, अपनी कंडीशंस को पहले स्टडी कर लेते हैं, प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर उसी हिसाब से जो भी प्रिवेंटिव एक्शंस होते हैं और जो भी उनके हिसाब से हम स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते हुए उनको पूरा करते हैं। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे बात करी कि अगर किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट शेयर तो ज्यादा है लेकिन उसकी ग्रोथ रेट कम है, तो उस केस में उसको दूसरा एरिया डिसाइड करना चाहिए और वहाँ पे उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे मेरा कोई भी प्रोडक्ट चल रहा है जिसका मार्केट शेयर तो ज़्यादा है लेकिन उसकी ग्रोथ कम है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, अपने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करूँगा, चेंजेस करूँगा, ताकि मैं मुझे भी क्या हो जाए, बेनिफिट होना शुरू हो जाए और मेरी ग्रोथ बढ़ जाए, होनी शुरू हो जाए। ठीक है, तो वैसे ही हम बात कर रहे हैं कैश काउ, तो किसी भी कंपनी के लिए कैश काउ कंडीशन अच्छी नहीं होती। ठीक है, उस केस में वहाँ पे उसको फिर चेंजेस मॉडिफिकेशन की और फ्रूटफुल स्ट्रेटेजी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि उसका जो मार्केट शेयर है जैसे बढ़ रहा है उस वैसे उसकी ग्रोथ रेट भी बढ़नी शुरू हो जाए। ठीक है, तो वो मैंने बात करी यहाँ पे। उसके बाद में फिर बात कर रहा हूँ डॉग। डॉग में क्या है, आपका ग्रोथ रेट भी कम है और आपका मार्केट शेयर भी कम है, यानी कि इस केस में आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई बिल्कुल मार्केट शेयर नहीं है, नहीं आपकी कोई ग्रोथ रेट है, तो उस केस में आपको इन्वेस्टमेंट रोक देना चाहिए। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट डॉग कंडीशन के अंडर में होते हैं वो रिजेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जैसे कि क्या है, PLC प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हम बात कर रहे हैं, जब प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में पहुंच जाता है तो वो अंडर डॉग कंडीशंस में आ जाता है, यानी कि जब डिक्लाइन कंडीशन में है तो ना ही तो उसका कोई मार्केट शेयर है, ना ही उसकी ग्रोथ रेट है, तो उस केस में फर्दर आपको इन्वेस्टमेंट वहां पे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है। उसके बाद जैसे हम बात करते हैं अब क्वेश्चन मार्क में, तो क्वेश्चन मार्क में आपका क्या है, मार्केट ग्रोथ रेट तो ज़्यादा है, मार्केट शेयर लो है। ठीक है, तो यानी कि आपका मार्केट शेयर क्या है, कम है। तो जैसे PLC में हम बात करते हैं, तो PLC में क्या है, तो जैसे सपोज आपका मार्केट शेयर नहीं है तो आपको फिर एक ये सिचुएशन आ जाती है कि कहाँ किस तरीके से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो वो आ जाती है क्वेश्चन मार्क वाली कंडीशन कि भाई आपकी बहुत सारी प्रोडक्ट लाइन चल रही है, कहाँ किसका मार्केट शेयर कम है और किसकी ग्रोथ रेट ज़्यादा है। इस तरीके से आप सारी चीज़ों को प्रॉपरली रिसर्च करोगे सब पे और फिर आप वहाँ पे फाइंड आउट करोगे कि कौन सा एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ हमें फर्दर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसकी कंडीशन के हिसाब से, मार्केट कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने PLC की बात करी, तो PLC में जो इंट्रोडक्शन स्टेज होती है वो क्वेश्चन मार्क की ही होती है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में आपका क्या है, आपका मार्केट शेयर कम है और आपकी ग्रोथ रेट ज़्यादा है वहाँ पे। ठीक है, यानी कि एक जैसे सपोज आप कोई नया प्रोडक्ट एकदम से लेके आए तो उसकी ग्रोथ रेट एकदम से बढ़ती है मैच्योरिटी तक। ठीक है, लेकिन मार्केट शेयर आपका क्या है, वहाँ पे लो है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक फोर्थ कंडीशन, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये थी चार कंडीशन BCG मैट्रिक्स की। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप भी बोलते हैं इसको हम, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली अगर हम बात करें तो एक तरीके से ये टूल है टू फॉर्मुलेशन द बेस्ट स्ट्रेटेजी इन द फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करना चाहते हो तो सो ड्यू टू दिस रीजन यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू अप्लाई दिस टूल्स एंड टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई योर मार्केट सिचुएशन, योर इंटरनल सिचुएशन, एज वेल एज अकॉर्डिंग टू दैट यू विल मेक अ फ्रूटफुल स्ट्रेटेजी टू अचीव योर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको दूसरा